इंडिया का चीपेस्ट 5G मोबाइल जो आपको मिलने वाला है सिर्फ 10,000 के अंदर। तो दोस्तों आपकी बजट अगर टाइट है और आपको अगर 10,000 के अंदर बेस्ट 5G मोबाइल चाहिए तो आप इसके साथ जरूर जा सकते हो। यहाँ पे आपको रिंग लाइट के फीचर भी मिल जाता है जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों उससे भी अच्छी बात, ये मोबाइल एक इंडियन ब्रांड की तरफ से आता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर लावा की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस लावा ब्लिज 2 5G के बारे में। तो दोस्तों एक एक करके इसकी सभी फीचर के बारे में जान लेते हैं। आप के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक के बारे में। तो दोस्तों जैसे देख सकते हो एक बजट डिवाइस है, पर बैक के लुक से लगेगा एक प्रीमियम सा एक डिवाइस है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा विथ ऑरा लाइट। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाएगा जो काफी अच्छे एक फीचर होने वाले हैं बजट डिवाइस के हिसाब से। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं बाकी फीचर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंच का LCD सेंटर कंसोल डिस्प्ले जो प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक सा है। और प्रोसेसर मिलेगा Dimensity 6020 5G प्रोसेसर, तो प्रोसेसर काफी पावरफुल होने वाला है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर भी मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें सेल्फी कैमरा की, तो आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। और दोस्तों इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर के बारे में फिर से मैं बता दूं, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास की बैक, जहाँ पे आपको रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाएगा। और दोस्तों 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा विथ 5V कैमरा, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विद 18W की फास्ट चार्जिंग। तो देख सकते हो सभी कुछ फीचर आपको एकदम एक्स्ट्रा लेवल का मिल रहा है और लुक एंड डिजाइन भी काफी सही है। तो दोस्तों बात करें प्राइस की, तो इसकी जो 4GB प्लस 64GB वेरिएंट है उसकी प्राइस 9999 मतलब 10,000 है। इसी टाइम पे इंडियन मार्केट पे इस प्राइस पॉइंट में कोई भी 5G डिवाइस को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और कर भी रहा तो इतने सारे फीचर को नहीं दे रहे। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट में वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल ये है। तो आप अगर चाहते हो 10,000 के अंदर एक 5G डिवाइस को लेना, तो आप आग बंद करके इसके साथ जा सकते हो। काफी शानदार सा ये डिवाइस है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, तो वीडियो को अच्छे से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो फिर से देखने के लिए।